धनौली क्षेत्र में छत से गिरने के बाद अस्पताल में हुई बच्चे की मौत के मामले को लेकर अग्रवाल डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर भारी संख्या में लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। वहीं एसएसपी ने भी मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यहाँ धनौली क्षेत्र की एक घटना है जिसमें विनोद कुमार और उनकी पत्नी दोनों मूक बधिर हैं। इनके बच्चे दिव्यांश की छत से कहीं थोड़ा सा जीने से फिसल गया था, तो ये एसआर हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ दिखाया, डॉक्टरों ने, वो सकुशल था, तो मन का बहम मिटाने के लिए उन्होंने अग्रवाल डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए कराने के लिए उसको रेफ़र किया। तो अग्रवाल डायग्नोस्टिक सेंटर पे जो कंपाउंडर होते हैं वो अप्रशिक्षित कंपाउंडर थे, जिन्होंने कि एक डोज उसे बेहोश करने का दिया। बच्चे की उम्र 2.5 से 3 साल थी, तो 3 साल के बच्चे को एक डोज देने के बाद थोड़ा वेट करना चाहिए। उन्होंने वेट ना करके दूसरा भी बेहोशी का डोज तुरंत दे दिया बच्चे को, तो वो दूसरे डोज में भी बेहोश नहीं हुआ। तो उस कंपाउंडर ने तीसरा डोज और दे दिया, तो 3 डोज देते ही बच्चा ऑन द स्पॉट वहाँ कोमा में जाते ही एक्सपायर हो गया। और इनका इकलौता बच्चा था, घर का चिराग था, दोनों मूक बधिर माँ बाप की इकलौती संतान को एक अप्रशिक्षित डॉक्टर और डायग्नोस्टिक सेंटर वाले लापरवाही की वजह से छीन लिया गया। इनके हमारी मांग है कि भविष्य में किसी अन्य के बच्चे के साथ ऐसी घटना घटित ना हो, किसी के घर का और चिराग इस प्रकार से न चला जाए डॉक्टरों की लापरवाही से। इसलिए अग्रवाल डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में किसी अन्य के खिलाफ ऐसी दुर्घटना ना घटित हो। और प्रशिक्षित लोगों को ही ऐसी महत्वपूर्ण जगहों पर रखना चाहिए, जो कि प्रॉपर पढ़े लिखे होने चाहिए। ये अशिक्षित लोगों को कम सैलरी देने के चक्कर में वहाँ रख लेते हैं और आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। कप्तान साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा? माननीय एसएसपी महोदय से मिले हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों के साथ न्याय किया जाएगा और जो मदद होगी डॉक्टरों की लीगल टीम के लिए हम मामले को रेफर कर रहे हैं, वहाँ से जाँच करवा के आपके साथ न्याय